आप देख रहे हैं लाइव टुडे न्यूज, आपकी बुलंद आवाज। मुजफ्फरनगर के नगर पालिका में विद्युत कर्मचारी संघर्ष समिति के सैकड़ों कर्मचारियों ने जमकर धरना प्रदर्शन करते हुए बताया कि टाउन हॉल परिसर में अधिकारी कर्मचारियों से वेतन में महावार कटौती करके जीपीएफ सीपीएफ ट्रस्ट में जमा कराई गई धनराशि को विभागीय जीपीएफ सीपीएफ ट्रस्ट द्वारा डिफॉल्टर कंपनी मेसर्स डीएचएफएल एवं अन्य में निवेश किए जाने के विषय में चर्चा की गई, जिस पर सोशल मीडिया व अन्य माध्यमों के माध्यम से संज्ञान में आया कि कर्मचारियों का जीपीएफ सीपीएफ का पैसा लगभग 2600 करोड़ डिफॉल्टर कंपनियों में निवेश किए जाने के कारण कर्मचारियों की संचित निधि डूबने के आसार उत्पन्न हो गए हैं, जिसमें सभी कर्मचारियों को मिलने वाली पेंशन राशि की न्यूनतम सीमा नहीं है। यह भी बाजार शेयर मार्केट पर ही आधारित है। हम तो सरकार से बस अपने सीपीएफ जीपीएफ का हमारा पैसा हमें वापस मिल जाए। मेरा नाम प्रणव चौधरी है। आज हम यहाँ टाउन हॉल प्रांगण में विद्युत संयुक्त संघर्ष समिति के बैनर तले हमारे विद्युत विभाग के अधिकारी और कर्मचारी यहाँ पीएफ स्कैम के अगेंस्ट विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और कार्य बहिष्कार कर रहे हैं। हमारे कार्य बहिष्कार में हमारे सारे के सारे कार्यालय और कैश काउंटर्स, कैश कलेक्शन सेंटर साथ सारा बंद रहेगा। ये इसमें हमारे विभाग के कर्मचारियों और अधिकारियों का मिला के 2600 करोड़ रुपए के लगभग का स्कैम है ये, जिसके लिए हम लगभग 20 दिन से हम ये विरोध प्रदर्शन लगातार हमारा चल रहा है। और संयुक्त संघर्ष समिति द्वारा 14 नवम्बर को लखनऊ में एक बहुत बड़ी रैली की गई थी। उस रैली के बाद सरकार ने कोई अब तक भी इसमें सकारात्मक कदम नहीं उठाए हैं, जिससे कि विभागीय कर्मचारियों का और अधिकारियों का वो पैसा है जो मेहनत का पैसा है उन्हें वापस मिल सके। तो आज 18 नवंबर और 19 नवंबर हमारा 2 दिन का पूर्ण कार्य बहिष्कार रहेगा और इसके दौरान हमारे सारे कार्यालय बंद होकर हमारा पूरा स्टाफ अधिकारियों से कर्मचारियों तक यही टाउन हॉल प्रांगण में बैठकर शांतिपूर्ण तरीके से अपने इसका विरोध करेंगे, स्कैम का, और अपने सरकार से गजट नोटिफिकेशन। हमारी जो प्रमुख मांगे हैं मैं यही है कि एक तो सरकार हमारा पैसा वापस करने के लिए गजट नोटिफिकेशन जारी करे, दूसरा इसमें जो भी जिनके द्वारा भी ये किया गया, जो भी इसमें संलिप्त हैं उनके खिलाफ सीबीआई जांच हो और सीबीआई जांच में जो भी दोषी पाए जाएं उन दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो।